हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मीट कास्ट शुरू। आप देख रहे हैं कुछ विस्कुट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी लेटेस्ट मूवी वो भी अपने एंड्रॉयड फोन के जरिए इजिली डाउनलोड कर सकते हो। जनरल वे में आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोग सभी लोगों को बताया था कि आप कैसे अपने कंप्यूटर की सहायता से यानी कि अपने पीसी के सहायता से कोई भी लेटेस्ट मूवी रिलीज के दिन डाउनलोड कर सकते हो। और उस वीडियो में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एंड्रॉयड फोन के जरिए बताइए कैसे मैं कोई भी लेटेस्ट मूवी इजिली डाउनलोड कर सकता हूं। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी लेटेस्ट मूवी अपने एंड्रॉयड फोन के जरिए इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं लॉन्ग ना ले सकते हुए फाइनली आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ आज का ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो। वेलकम बैक। तो आप देख सकते हो ये मेरा एंड्रॉयड फोन, और जैसा कि आपको कोई भी लेटेस्ट मूवी डाउनलोड करना वो भी अपने एंड्रॉयड फोन के जरिए, तो उसके लिए यहाँ से प्ले स्टोर को आपको ओपन करना, यहाँ से एक ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए ADM यानी कि एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर। तो आपको यहाँ पे ADM सर्च करना, तो ऊपर में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर, जो कि आइकन को आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके आइकन इस तरह के दिखेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए और इसे फर्स्ट अपॉन इंस्टॉल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे ओपन का ऑप्शन दिख सकते हो। तो चाहो तो आप यहाँ से इसे इंस्टॉल करके इसे ओपन यहाँ से कर सकते हो, या फिर इसे कट करके यहाँ से भी, यहाँ पे आप आइकन देख सकते हो, यहाँ से मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ से मैं आपको बताऊँ किस तरह से आप कोई भी लेटेस्ट मूवी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर जो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ब्राउजर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ब्राउजर पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर कुछ सेटिंग्स वगैरह, अगर आप इस ADM को चेंज करना चाहते हो यानी कि इस ADM की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, तो सेटिंग्स पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से ब्राउजर पे मैं करूँगा और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कोई भी लेटेस्ट मूवी आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च कर लीजिए फिल्म web.desi और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो डायरेक्ट से आपको यहाँ से फिल्म वेब की वेबसाइट आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो यहाँ पे फिल्म वेब पे यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट्स जो आते हैं उस पर आपको क्लिक करना और नीचे की तरफ इसे स्लाइड करना है और यहाँ पे फाइंड मूवी हियर। अगर आपको कोई मूवी खोजना है, यहाँ पे कोई मूवी फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे टाइप करके इसे यहाँ से फाइंड कर सकते हो, खोज सकते हो कि कौन सा मूवी आपको डाउनलोड करना है। या फिर अगर आप डायरेक्ट चाहते हो कि लेटेस्ट मूवी ही आप डाउनलोड करो, तो उसके लिए यहाँ पे बॉलीवुड मूवी लेटेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर आपको क्या, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक खास ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं रिक्वेस्टेड मूवी। तो रिक्वेस्टेड मूवीज़ का जो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, आपको किस तरह से रिक्वेस्ट करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, जिसमें मैंने कंप्यूटर के सहायता से मूवीज़ डाउनलोड करना बताया था। तो आप देख सकते हो उस वीडियो को, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट मूवी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और भी नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेटेस्ट पंजाबी वीडियोज़ वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, और यहाँ पे मूवीज़ वगैरह जो कि हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल तो आपको लेटेस्ट मूवी डाउनलोड करना है, जो कि 2017 में जो नया नया मूवी आया, तो यहाँ पे लेटेस्ट, सॉरी यहाँ पे पंजाबी मूवी तो मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बॉलीवुड मूवी क्लिक करूंगा और यहाँ पे लेटेस्ट हिंदी मूवीज का जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे लेटेस्ट हिंदी मूवीज करना, और यहाँ पे आप देख सकते हो ओके सानू, जो कि सबसे लेटेस्ट मूवी 2070 का यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मूवीज आ जाती हैं, यहाँ पे दंगल वगैरह भी मूवीज यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मूवी लेटेस्ट मूवी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे किसी भी मूवीज को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस मूवी को लेता हूँ, इसे पे मैं क्लिक करूंगा और नीचे तरफ स्लाइड करूंगा, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको किस तरह की क्वालिटी में मूवीज को डाउनलोड करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो MP4 720 pixels पे, जिसका MB आप यहाँ पे देख सकते हो 713.2 MB का जो फाइल, इससे आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3GB वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी नहीं चाहिए, आपके मेमोरी कार्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप 3GB भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से किसी भी पिक्सल्स को चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 720 pixels को चूज़ करता हूँ, तो 720p पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे किस फोल्डर में आपको सेव करनी है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे लिंक्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्ट का जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करके इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हो भी इजिली। तो स्टार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए,
और यहाँ पे थोड़ा सा रिप यानी कि फाइल जब रिप हो जाता है उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड यानी कि डाउनलोड के लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा इस फाइल को रिप होने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिए इससे, और उसके बाद आपका मूवी यहाँ से डाउनलोड अपने आप होने लगेगा। और इसका स्पीड जो होता है काफ़ी फास्ट आपको मिलेंगी, यानी कि एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर जिस साइट्स के बारे में जिस ऐप्स के बारे में मैं आपको बताया यहाँ पे जिस ऐप्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया उस ऐप से आप काफ़ी फास्ट मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगी, तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए, कुछ भी सीखो और सीखते रहिए मोबाइल कंप्यूटर एंड्रॉयड और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेते हैं अगली। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मूवी यहाँ से और डियर जिंदगी जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो चुका है।